नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। रुद्रपुर में डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों के आंदोलन को नई ऊर्जा मिली है, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री किक्षा विधायक तिलक राज बेहद देर शाम अचानक उनके बीच पहुंचे। उन्होंने आमरण अनशन पर बैठी महिलाओं का हालचाल जाना और उन्हें शुभकामनाएं दी। तिलक राज बेहद ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये सरकार पूर्व मंत्री और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के सपनों को चकनाचूर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन गूंगा बहरा हो गया है और महिलाओं को न्याय पाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम डॉल्फिन कंपनी के मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इस मामले पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी अधिकारियों से बातचीत करने का आश्वासन दिया। इस दौरान युवा कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा भुल्लर ने भी सरकार और प्रशासन की नीतियों पर तीखी टिप्पणी की। पता चला है कि समझौता हुआ और उसके बाद समझौते को भी मानने को तैयार नहीं है, तो ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, हम हमेशा कहते हैं, और ऐसे हिटलर शाही बंद होनी चाहिए और हमारे साथियों को न्याय मिलना चाहिए। कहेंगे इस मामले को लेकर गलत हो रहा है डॉल्फिन कर्मचारियों के साथ। बिना कर्मचारियों के उद्योग नहीं चल सकते, ये गलत है। किसी सरकार को किसी को नहीं पालनी चाहिए, न जिला प्रशासन को पालनी चाहिए। इनकी समस्याओं को सुने और इसका तत्काल कोई रास्ता निकाले। इनकी जो मांगे हैं उस पर विचार करके जितनी मांगे हो सकती है उसको माननी चाहिए और इनको काम पर लेना चाहिए। रुद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल देखा जाए तो ये एक बड़ी खबर है जो इतने दिनों से एक आंदोलन कराया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।